भूदान की जमीन पर पुनः कब्जा दिलाने के लिए परचाधारी समीरन गांधी, तेज नारायण यादव समेत 35 लोग धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, जबकि समीरेंद्र गांधी और तेज नारायण यादव आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। अनशन पर बैठे समीरन गांधी और तेज नारायण यादव ने कहा कि भूदान की जमीन जिन लोगों को दिया गया था उस जमीन को अब जमींदार पुनः दूसरे लोगों को बेच रहे हैं और उन लोगों को बेदखल भी कर दिया गया है और इसके बारे में पूर्णिया के अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक में शिकायत की गई, किंतु इसके बावजूद इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई और मजबूरन उन लोगों को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। पूर्णिया जिला अंतर्गत भुटिया प्लॉट का 64 एकड़ जमीन में है, उसमें 41 एकड़ जो है संत विनोबा भावे का भूदान है और 23 एकड़ सर्वे सिक्किम है। इस जमीन को हमने 83 ईस्वी में उससे तो 77 में जमीन पर घर बना था 84 ठो और जमींदार जो है जमींदार के खर्चे के तहत सबको घर को उतरवा दिया गया और विनोबा जी का जो मंत्री था उसको भी जेल दे दिया गया और फिर जमीन वापस ले लिया जमींदार। उसके बाद हमने 83 ईस्वी में जमींदार को एकाएक खदेड़ दिए, सारा गरीब को हम उस पर लाके बसा दिए और जमीन जोत में लग। उसके बाद इतना मुकदमा करने लगा, कितना आक्रमण किया हमारे ऊपर कि समूचा शरीर हमारा जो है पुलिस के हाथ से तुड़वा दिया है, मरवा दिया, तुड़वा दिया है। उसके बाद जो जेल पर जेल 18 दफे जेल भगवाया, 69 किताब मुकदमा हुआ इस जमीन के चलते आप पर। हाँ, अब क्या हुआ? अभी जो है 53 से मुक्त हुए हैं, अभी 16 मुकदमा लंबित है और उसके बाद जो है जमीन जो है कुल जमीन को बिक्री कर दिया है बाहुबली बदमाश दबंग लोगों के हाथ में। वो लाठी गोली के बल पर जो है सारे जमीन को दखल कर लिया है और गरीब लोगों को बेदखल कर दिया है, जिसके चलते हमने नीचा से ऊपर दिल्ली तक एक एक करके 61वां अनशन किए, लेकिन जान यहाँ से आदेश होता है अनुमंडल अंचल के पास, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं। वो लोग जो है जमींदार वही बाहुबली के हाथ में बिका हुआ है, फसल उग जाता है, फसल का आधा पैसा लोग लेता है। अभी आप अनशन पे बैठे हैं।